नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं मेवात आज तक पर देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों का बुलेटिन। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार सुबह 11 बजे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी की एक बस 100 फीट गहरी खाई में जाकर गिरी। इस हादसे में 10 जवानों की मौत हो गई। बस में आईटीबीपी के 39 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान सवार थे। हादसे का कारण बस के ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। सभी जवान अमरनाथ यात्रा से ड्यूटी कर लौट रहे थे। जवान अमरनाथ यात्रा के स्टार्टिंग पॉइंट चंदनवाड़ी से पहलगाम आ रहे थे। बीच में ही ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और बस खाई में जा गिरी। स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि घायल कर्मियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया है। बिहार में नीतीश कैबिनेट का आज विस्तार हुआ और कुछ देर बाद विभागों का बंटवारा हो गया। मुख्यमंत्री ने अपने पास गृह सामान्य प्रशासन समेत 5 विभाग रखे हैं। वहीं तेजस्वी के पास स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास और ग्रामीण कार्य का जिम्मा मिला हुआ है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मिला है। राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान 31 मंत्रियों को शपथ दिलाई। मंत्रियों ने 5-5 के बीच में शपथ ली। मंत्री बनने वाले कुल 31 विधायकों में आरजेडी से सबसे ज्यादा 16, जेडीयू से 11, कांग्रेस से 2, हम से 1 और 1 निर्दलीय शामिल है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप शपथ लेने वाले पहले 5 विधायकों में शामिल रहे। दक्षिण कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है। शोपिया में मंगलवार को आतंकियों ने 2 भाइयों पर फायरिंग कर दी। इसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार छोटे पेरा इलाके में दोनों भाई सेब के बगान में काम कर रहे थे। इस दौरान वहां कुछ आतंकी आए और फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से एक भाई की मौत हो गई। उसकी पहचान सुनील कुमार भट्ट के रूप में हुई है। वहीं 4 बेटियों के पिता थे। वहीं उनका भाई पिंटू कुमार गंभीर रूप से घायल है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चीनी स्पाई शिप युआन वांग 5 मंगलवार सुबह श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंच गया। यह स्पाई शिप 16 से 22 अगस्त तक यहां रहेगा। यहां करीब 750 किलोमीटर दूर तक आसानी से निगरानी कर सकता है। युआन वांग 5 सैटेलाइट और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम है। पहले इस चीनी शिप के 11 अगस्त को हम्बनटोटा पहुंचने की उम्मीद थी। जासूसी के खतरे को देखते हुए भारत ने इसे लेकर श्रीलंका के सामने विरोध दर्ज कराया था। दरअसल हम्बनटोटा पोर्ट से तमिलनाडु के कन्याकुमारी की दूरी करीब 451 किलोमीटर है। इसके बावजूद श्रीलंका ने इसे हम्बनटोटा पोर्ट पर आने की अनुमति दी। अब भारत इसको लेकर अलर्ट पर है। इंडियन नेवी की शिप के मूवमेंट पर कड़ी नजर है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि एफबीआई ने उनकी प्रॉपर्टी मार ए लागो में रेड के दौरान उनके 3 पासपोर्ट जब्त कर लिए। उन्होंने यह भी कहा कि एफबीआई एजेंट उनके घर से 15 बॉक्स भरकर डॉक्यूमेंट्स ले गए हैं, जिसमें कुछ क्लासिफाइड रिकॉर्ड्स भी हैं। एफबीआई ने पूर्व राष्ट्रपति के आलिशान पाम हाउस और रिजॉर्ट मार ए लागो पर पिछले मंगलवार को छापेमारी की थी। सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया है कि मार ए लागो पर रेड के दौरान एफबीआई ने बहुत सारे सामान के साथ मेरे 3 पासपोर्ट चुरा लिए। उनमें से 1 एक्सपायर हो गया था। यह किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी पर किया गया सबसे घटिया स्तर का प्रहार है। भारत सोमवार को 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस मौके पर पाकिस्तान के एक म्यूजिशियन ने रबाब नाम के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर राष्ट्रगान की धुन बजाई है। अब यह धुन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। रबाब वादक सियाल खान भारत में काफी लोकप्रिय है। उन्होंने भारतीय फैंस की मांग पर राष्ट्रगान जन गण मन को रबाब पर सुरीली धुन दी है। वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, सरहद पार के दर्शकों के लिए ये रहा मेरा तोहफा। इस वीडियो को ट्विटर पर अब तक लाखों लोग देख चुके हैं। वहीं 50,000 से अधिक लोगों ने लाइक भी किया है। रबाब एक तार वाला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो वीणा के जैसा दिखता है। यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कश्मीर में काफी लोकप्रिय है। इसी तरह के तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए मेवात आज तक। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।